आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज जो है हल करने जा रहे हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ या हिंदी संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारा है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो किसने किया? गारसाद है तासी ने। हमारा दूसरा प्रश्न है, गारसाद तासी के ग्रंथ का नाम है, तो उसका क्या नाम है? इसका जगह बी, इस्तवार्द लाल तृतीय और अंधवी हिंदुस्तानी। तीसरा है, इस्तवार्द लाल तृतीयुर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? हो जाएगा फ्रेंच में। चौथा प्रश्न है, तबका सुवरा के लेखक हैं, कौन लेखक इसके हैं? मौलवी करीमुद्दीन। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है तज़किराए सूरा ई हिंदी, इसका सी हो जाएगा। अब छठा है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? तो ये किसे माना गया है, इसका हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब जो है सातवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, तो इसे इसमें किसे माना गया है? माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेसन की जो है इसको माना गया है। आठवां देखते हैं, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। नौवां, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो किसने किया इसमें? डी डॉक्टर ग्रियर्सन। दसवां देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? इसमें हो जाएगा ए डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। अब देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो किसने माना है? ए जगह बी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। बारहवां है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? सी शिव सिंह सरोज को। अगला है तेरहवां, ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? किससे ली है? तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी शिव सिंह सरोज से। अब चौदहवां देखते हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवियों की संख्या, ये हो जाएगा 952, ये हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं पंद्रहवां, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका हो जाएगा बी प्रोफेसर नलिन विचंद शर्मा का। सोलहवां, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि,
क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अगर डी 17वां, मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसका हो जाएगा डी कृष्ण बिहारी, क्योंकि आधुनिक कवि हैं। मिस्र बंध विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? कितने कालों में, इसका हो जाएगा ए 5, 1900। हिंदी नवरत्न के लेखक, हिंदी नवरत्न के लेखक तो हैं मिस्र बंधु हैं पादरी F.E.K. द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो 20वां कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन सा जाएगा इसमें, तो जाएगा सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 21वां, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो किससे मिली, ए पंडित राधाचरण गोस्वामी, पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। 22वां देखते हैं, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका हो जाएगा 22वें का बी हिंदी साहित्य का विकास। 23वां देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है 1929 है, इसका हो जाएगा डी। 24वां, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है कौन सा है? ये हो जाएगा बी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 25वां देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 26वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है, किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है, तो जाएगा बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं। 27वां, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, जो अभी तक अधूरा है, इसका हो जाएगा डी, इसका डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद 28वां देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? तो इसका हो जाएगा ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप इसको अपने मन में भी थोड़ा पहले से क्लियर कर सकते हैं कौन सा सही हो रहा है आपका जो है। अब 29वां देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है, गंगा प्रसाद सिंह। 30वां, किस साहित्य इतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्यिक संपत्ति का बीजक कहा गया है, किसे कहा गया है? हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त को कहा गया है। 30वां का डी। आइए हम 31वां देखते हैं, निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है?
तो 31वां का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखते हैं 32वां। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, इसका बी हो जाएगा। 33वां देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो 33वां कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, चारण काल। 34वां देखते हैं। जार्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो कब से माना है? सी हो जाएगा 8वीं सदी से। 35वां, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो किस में है? इसका हो जाएगा डी, 12वें में। 36वां, हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, किसने किया है? तो इसमें किया है मिश्र बंधुओं ने किया है, मिश्र बंधु ने किया है। 37वां देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है, इसमें अज्ञात काल का उल्लेख है, इसमें इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, इसमें कवियों का विवरण है जिसका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको अज्ञात काल कहा गया है। 38वां, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? इसका हो जाएगा सी, 4 पद्धतियां हैं। 39वां देखते हैं हम लोग। इफ एफ ई के ई ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? कितने कालों में विभक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका ए हो जाएगा 4। हम देखते हैं 40वां, निम्नलिखित में किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठाने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? तो किसने बनाया है इसमें? इसका हो जाएगा डी, एफ ई के ई ने। आते हैं हम लोग 41वें पे। अब हिंदी यानी इसमें आते हैं, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्त वृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो किसने बनाया है? इसका हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने। 42वां देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? कितने कालों में विभाजित किया है? तो इसका हो जाएगा बी, 4 कालों में। हम लोग आते हैं 43 यानी 43वें में। तो 43वें का देखते हैं हम लोग। वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। उसके बाद आते हैं 44 में यानी 44वें आते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्या नाम है? जाएगा डी, आदिकाल। अब हम आते हैं 45वें पे। आचार्य शुक्ल ने
अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य का प्रकाश डाला है? तो कितने डाला है प्रकाश, कितने वर्षों का? इसका हो जाएगा ए 950 वर्षों का। अब 46 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो हो जाएगा इसका सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। अब 47 में आते हैं हम लोग। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? किसने कहा? तो ये जो है डी हो जाएगा, महापंडित राहुल शंकर त्यान जी ने कहा है। 48वां हम लोग आ गए हैं। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है किसको है? आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको है? इसका हो जाएगा ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। 49 को देखते हैं हम लोग। आदिकाल की सीमा अवधि है, आदिकाल की सीमा अवधि क्या है? इसका डी हो जाएगा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? किसने कहा है? किसको कहा है? ये हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। तो दोस्तों ये हमारा पहला एपिसोड है, पहला है। अगले में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। तब तक के धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।